का हिसाब कैसे करें? How you came on board? Well, मुझे पता चला कि सलू की शादी के ऑडिशंस हो रहे हैं एंड नाम सुनते ही आई गॉट वेरी एक्साइटेड बिकॉज द टाइटल इज़ सो अट्रैक्टिव. तो या आई वेंट टू द ऑडिशन, मैं पूरी टीम से मिली एंड ऑल, एंड इसरार जी पूरे जो प्रोडक्शन टीम है उन सब से मिली एंड उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई एंड इट वॉज वेरी अमेजिंग. सुनते ही मुझे लगा वाओ, आई हैव टू बी अ पार्ट ऑफ इट. तो या ऐसे आई केम ऑन द बॉल. मेरा जो कैरेक्टर है वो एक बहुत वो एक्चुअली एक एक्टर का ही कैरेक्टर है. आई एम एक्चुअली प्लेइंग अ रोल ऑफ अ हीरोइन इन द मूवी एंड तो या यू आई थिंक इट इज़ शी इज़ वेरी चबी, शी हैज़ ऑल सॉर्ट्स ऑफ यू नो प्रॉब्लम्स गोइंग थ्रू और उसे शादी करनी है और उसे सल्लू के साथ शादी करनी है और सल्लू क्या करता है इन द मूवी शादी करने के लिए वो तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा. Okay, you said you playing actress in the film. When we talk about Sallu, you know there are so many women who came in his life and went. Yes. Who would be you playing, you know? As in for what exactly? There are Aishwarya Rai, there are Soumya Ali, there are Sangeeta Bijlani, there are so many. So I'm playing the character of me is called Alia. So I'm playing the character of Alia, who is a very big fan of Sallu. And she wants to get married to Sallu, but Sallu keeps running away from her. And why he keeps running away from her is what you have to see. Okay, apart from this, you know, what are the possibility of people going to come to know, you know, Sallu ki shaadi, you know, the difficulty Mr. Sallu is facing, or the woman came in his life. What do the film is all about? Is it a biopic sort of film? Well, it is a romantic comedy. Like people, you know, सलमान का जो issue है about getting married and all, ये बहुत time से चल रहा है. So in a way it's shown कि सल्लू भाई आप शादी कर दीजिए, क्योंकि अगर आप शादी नहीं कर रहे हैं उसकी वजह से बहुत सारे लोग शादी नहीं कर रहे हैं. तो वो कहीं ना कहीं लेडीज़ों के लिए आई थिंक प्रॉब्लमैटिक हो रहा है एंड एवरी वन वेटिंग फॉर दिस कि सल्लू भाई कब शादी करने वाले हैं. जब से मैंने मूवीज देखना शुरू किया है तब से आई हैव बीन लाइक ओह गॉड सलमान सलमान. सो या ऑफ कोर्स व्हाई नॉट. हू इज प्लेइंग सलमान इन द फिल्म एंड हाउ योर केमिस्ट्री विद हिम? ये तो आपको देखना पड़ेगा कि हू इज प्लेइंग द सलमान. शायद से सलमान एक्चुअली सलमान प्ले कर रहा होगा, हु नोज. ओके, टैगलाइन से आप कितना है और डू यू एग्री विद दिस, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ विथ इन इंडिया इज नॉट गेटिंग मैरिड जस्ट बिकॉज़ ऑफ मिस्टर सलमान खान इज नॉट गेटिंग मैरिड. कौन, हम आपको न्यूज़ दिखाते हैं, पीपल जहाँ जाए वहाँ पे कंट्रोवर्सीज चल रही है कि सल्लू की अगली दुल्हनिया कौन है, सल्लू किसके साथ शादी करने वाले हैं. सो या समवेयर ऑर द अदर पीपल डोंट वांट टू गेट मैरिड थिंकिंग कि यार वील बी एज चिल्ड आउट एज सलमान भाई, पर हाँ इसलिए सलमान भाई को शादी कर लेनी चाहिए. There are so many fans of Sallu bhai, so everybody has their own life and somewhere he does have a message at the end of the movie that what he wants to convey through the movie. So haan, ek message humne diya hua hai aakhir mein. Okay, what is the most challenging part while working on the film? आई थिंक मेरे को पूरी टीम ने बहुत सपोर्ट किया, द डायरेक्टर, द प्रोडक्शन टीम, एवरी वन. एज अ न्यू कमर मुझे यू नो मेरा एक्साइटमेंट था, मैं नर्वस थी, पर बहुत सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत अच्छी तरीके से मेरे साथ रहे. तो मुझे आसानी हुई यू नो सब करने के लिए, एक्शन है, डांसिंग है, रोमांस है, सब कुछ है. तो बहुत अच्छा लगा इन सब लोगों के साथ काम करने. अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आगे देखिए मैं क्या कर सकती हूँ सल्लू भाई के साथ शादी करने के लिए. किस हद तक जा सकते हैं सलमान से शादी? किस हद तक जा सकती हूँ सल्लू? वेल आई थिंक मुझे उनके घर जाके ही पहुँचना पड़ेगा कि सल्लू जी अब टाइम आ गया है आपके साथ शादी करने का. सो यस, हियर आई एम, व्हाट हैव यू थॉट अबाउट इट? Okay, what message do you want to give to the audience? Why they come and be a part of the film whenever it's getting released?
Well, as you see, the title is very attractive, Sallu Ki Shaadi. And I think ये जो title, ये जो actually जो इसका चल रहा है सल्लू की शादी कब होने वाली है, बहुत सालों से ये टॉपिक चल रहा है. एंड फाइनली दिस टॉपिक इज आउट, यू हैव द आंसर इन दिस फिल्म. तो आपको ये फिल्म देखनी चाहिए, 8 दिसंबर को रिलीज होने वाली है और सारे आंसर आपको वो मूवी में पता चल जाएंगे. मैं सलमान खान को मिलने के लिए बिग बॉस तक चली जाऊंगी और वहाँ से फिर कल्टी मार लूंगी. ओके, अगर आपको सलमान चाहिए भाई, किसी चौथी मंजिल से कूद जाइए, कूद जाएंगे. अरे मुझे अभी अगर सलमान खान से शादी करनी तो उसके लिए तो जिंदा रहना पड़ेगा, तो फिर बोलूंगी कि एक बार शादी कर लो उसके बाद देखेंगे. सलमान अगर आपसे कहें कि आप सल्लू अगर आपसे कहें कि आप यू नो कूद जाइए तीन मंजिल से, चार मंजिल, आप कूद जाएंगे? वेल, लोग कहते हैं जिनसे लोग प्यार करते हैं उनकी सारी बातें भी मान लेते हैं, तो आई थिंक अगर कोई उनसे इतना प्यार करता है तो ऑफकोर्स मैं भी उनकी बात मान लूंगी. सबसे पहले जानना चाहूंगा, टाइटल ही अपने में बहुत इंटरेस्टिंग है, सल्लू की शादी. कैसे आइडिया आया और यू नो हाउ इज दिस होल पूरा प्रोजेक्ट चालू कैसे हुआ? टाइटल में कुछ ऐसा ढूंढ रहा था. एक्चुअली मैं बॉलीवुड के किसी आर्टिस्ट को लेकर उसकी थोड़ी बायोपिक और वो सारी चीज़ों को दिखाना चाहता था, ऐसी कोई फिल्म बनाना चाहता था, लेकिन मैं सोच रहा था किस पे. तो फिर मुझे लगा क्यों ना मैं जिनको सबसे ज़्यादा लाइक करता हूँ, जिनका बहुत बड़ा फैन हूँ, तो क्यों ना हम उन्हीं के लिए फिल्म बनाएं. अब फिल्म उनकी बायोपिक तो ठीक थी, लेकिन मैं उसमें कुछ इश्यूज़ के साथ में किसी फिल्म को बनाना चाह रहा था. तो मुझे सबसे बेस्ट यही लगा कि भाईजान के ऊपर शादी वो फिल्म बनाए, और उनका जो शादी का हर जगह ये चर्चा रहता है, वो शादी नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, किसी किस वजह से नहीं कर रहे, सब अपने अपने अलग अलग चीज़ें बताते रहते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है. तो जहाँ तक मैं मालूम कर सकता था जो रियलिटीज़ थी वो मैंने की, और उस हिसाब से ये फिल्म बनाई. अब वो टाइटल भी फिर मैंने ये सोचा क्यों ना हम उन्हीं के नाम से लिया जाए, तो फिर मैंने इस तरह से लिया और वो मैंने दो टाइटल दिए थे, उसमें से एक हमारा ये फाइनल हो गया. सर, कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट करती है, प्ले करती है, कास्टिंग किस बिना पे करी और किसको कास्ट किया आपने? कास्ट इस पे जीना कमान जी हैं, किरण कुमार हैं, असरानी हैं, ये सारे लोग हैं, और बाकी और भी लोग हैं, संदीप आनंद है जो आजकल बहुत ज़्यादा सीरियल में चल रहे हैं, मैं आई कमन मैडम, और ये भाभी, क्या नाम है उसका, भाभी जी करते हैं, वो भी हैं इसमें, और लोग भी हैं. हमारी जो एक्ट्रेस है उसके काफ़ी एड्स आते हैं, मैं समझता हूँ 20-25 उसके एड्स जो चल रहे हैं, और 6-7 तो हर वक्त ऑन एयर रहते ही हैं, वो है. और सिंगर्स हमारे सोनू निगम हैं, नीति मोहन है, नक्काश अजीज़ हैं, अमित मिश्रा हैं, नेहा वसीम है, ये सारे लोग हैं इसमें. जाना चाहूँगा ये सब्जेक्ट ही क्यों चुना आपने और क्या वजह रही सल्लू की शादी सब्जेक्ट चुनने की? देखिए, बॉलीवुड में सल्लू भाई के एक नहीं करोड़ों फैन हैं, और बल्कि बॉलीवुड में ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया, बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड. तो उनके जो फैंस हैं सल्लू भाई के, तो मैं चाहता था हर वक्त कहीं ना कहीं ये सुनने को मिलता रहता था कि उनके कई रोमांस के बारे में, आज इसके साथ, कल उसके साथ, परसों उसके साथ, दो सब लोग अपने अपने हिसाब से बात करते हैं, कोई पॉजिटिव में बोलता है, कोई नेगेटिव में बोलता है, तो ये सारी चीज़ें चल रही थी. तो मैंने अपनी इस फिल्म में सल्लू की शादी वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें दिखाने की कोशिश की है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत इश्यू भी रहा, और वो सारी चीज़ें हमारी शॉर्ट आउट हो रही हैं, और मैं समझता हूँ कि वो अब सबको पसंद आएगा. और उनके जो करोड़ों फैन हैं जो शादी को लेकर जो बात करते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें इश्यूज के साथ में सॉल्यूशंस भी दिखाई देंगे. तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सल्लू की शादी में आप ये बताना चाहेंगे अपनी फिल्म के माध्यम से कि शादी क्यों नहीं कर रहे हैं सल्लू शादी क्यों नहीं कर रहे हैं वो भी एक है, और किससे करना चाहते थे वो भी है, और कैसे क्या वो अब तक क्या सोचते हैं, मैंने जहाँ तक
मुझे लगा कि ये सच है वो दिखाने की कोशिश की है। ओके सल्लू की मदर का रोल भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, उसके लिए आपने किनको चुना और क्यों? सल्लू की मदर के लिए मैंने जीना तमान जी को अप्रोच किया और उनको कन्विंस करना, जैसा कि आप जानते हैं बहुत ही मुश्किल है, इतनी सीनियर एक्ट्रेस हैं। मैंने जब उनको स्क्रिप्ट सुनाई और जो टाइटल वगैरह बताया और सारी उन्होंने स्क्रिप्ट सुनने के बाद में उनको अपना रोल बहुत अच्छा लगा और साथ में जो सल्लू भाई का जो है वो भी बहुत अच्छा लगा और कुछ चीज़ें उन्होंने बताई कि थोड़ा सा ऐसा कीजिए जो बेटर भी थी और फिल्म के बेटरमेंट के लिए थी, तो वो मैंने की और उन्होंने काफ़ी मुझे टाइम भी दिया और काफ़ी सपोर्ट भी किया और वो बहुत खुश हैं ये फिल्म करके जहाँ तक मुझे लगता है। ओके सलमान की मैं बात करूँ, सलमान एक ऐसे एक्टर हैं जो हमेशा से न्यू कमर्स एक्ट्रेस की बात हो या डायरेक्टर्स की बात हो सपोर्ट करते हैं, क्या कुछ आपके जहन में है कि उन्हें बुलाया जाए या उनसे कुछ स्पेशल कराया जाए अगर वो राजी हो जाएं या फिल्म को प्रमोट करें या फिल्म के बारे में दो लफ्ज कहें? ऑब्वियसली जो जिसका फैन होता है वो चाहता है कि वो उसके बारे में बोल दे, तो उसके लिए इससे बड़ी खुशी की बात हो ही नहीं सकती है। तो कहीं ना कहीं मैं भी ये चाहता हूँ, बल्कि हार्डली चाहता हूँ कि बोल दें वो कुछ करें या जो भी है, मेरे तरफ से पूरे एफर्ट्स हैं। हालांकि उनको मालूम भी है फिल्म के बारे में और मेरी कोशिश ये है कि वो उनसे वो इसमें कुछ बोलें और आए हमारे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हों, और मुझे पूरा यकीन भी है कि अब वो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे, सपोर्ट करेंगे, जैसा कि आपने कहा कि न्यू कमर्स को करते हैं और सपोर्ट करते हैं तो मुझे क्यों नहीं करेंगे, मेरा ये पूरा कॉन्फिडेंस है कि करेंगे। खास वजह ये देखिए, सल्लू भाई के बहुत सारे फैंस हैं, हर तरह की बातें करते हैं, लेकिन उनकी शादी के बारे में किसी ने कभी कुछ सोचा है? अगर सोचा भी है तो बस बातों में उड़ा दिया। मैं चाहता था जैसे दूसरे लोग जो ये बताते हैं तो मैं भी कहूँ और डायरेक्ट उनसे कहूँ, लेकिन मुझे उससे बेटर ये लगा कि अब मैं फिल्म बनाकर अगर एक अपनी रिक्वेस्ट फिल्म के थ्रू उनके सामने रखूं कि भाई मैं भी आपका फ़ैन हूं और मैं चाहता हूं कि ये आप इसको रिक्वेस्ट को हमारी माने, शादी की जो भी चीज़ें हैं और जो लोग चाहते हैं, हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरे बेटे की शादी हो जाए और उनके फैंस भी चाहते हैं तो मैं भी चाहता हूं, तो मैंने वो फिल्म बनाकर ये रिक्वेस्ट उनसे की कि भाई आप शादी कर लें। मैं अपनी फिल्म सल्लू की शादी सलमान भाईजान को डेडिकेट करना चाहता हूँ और हमारी सारी टीम चाहती है कि वो हमें सपोर्ट करें और उनसे मिलने के लिए और उनसे जो भी जो उनके फैंस हैं जो एक ख्वाहिश रखते हैं कुछ कहने की कुछ सुनने की, वो सब अगर हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आपकी फिल्म का अगर मैं टैगलाइन देखूं, जब तक भाईजान शादी नहीं करेंगे मैं भी नहीं करूंगा, जब तक भाईजान शादी नहीं करेंगे मैं भी नहीं करूँगा। मैं बहुत सारे फैंस से मिला और अगर मेरी शादी ना हुई होती तो एक्चुअली उस टाइम पे जब मेरी शादी हुई तो मुझे पता नहीं था कि आगे भाईजान शादी करेंगे या नहीं करेंगे। अगर मेरी ना हुई होती तो मेरा भी डायलॉग यही होता कि जब तक भाईजान शादी नहीं करेंगे मैं भी नहीं करूँगा। और उनके जितने बहुत सारे फैंस से मैं मिला और शादी को लेकर जब मैंने बात की तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, मैं जब तक भाईजान शादी नहीं करेंगे मैं भी नहीं करूँगा, जब तक भाईजान शादी नहीं करेंगे मैं भी नहीं करूँगा। अब मेरे ऑफिस में तीन लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जब तक भाईजान शादी नहीं करेंगे मैं भी नहीं करूँगा। तो फिर ये मुझे टैग लाइन बहुत पसंद आई और मैंने इस तरह से उसको रखा। फिल्म 8 दिसंबर को रिलीज़ हो रही है और आप सब लोग देखें, इंजॉय करें, फिल्म में मज़ा आएगा। सारी चीज़ें डालने की कोशिश की गई है, रोमांस है, कॉमेडी है, एक्शन है, सारी चीज़ें हैं। अभी क्या मैसेज देना चाहते हैं फैंस को, सल्लू के हाँ फैंस को कि वो क्यों आए और फिल्म का हिस्सा बने? मैं मैसेज नहीं देना चाहता हूँ, मैसेज देना चाहते हैं हमारे भाईजान। जो मेरे दिमाग में जो था कि जो लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि उनके जो फैंस हैं वो कहते हैं कि जब तक भाईजान शादी नहीं करेंगे मैं भी नहीं करूँगा, अब तो मैंने अपनी फिल्म के थ्रू भाईजान से ये कहलवाने की कोशिश की है कि भाई देखिए ये मेरी पर्सनल लाइफ है और आप हमारे फैंस हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन मेरी पर्सनल चीज़ों में जाकर अगर आप अपने घर वालों को
किसी तरह से परेशान करते हैं, जो आपके घर वाले चाहते हैं कि आप शादी कर लें, और आप इस बात को लेकर अगर ये कह रहे हैं कि मैं भी नहीं करूँगा, तो वो बात मुझे अच्छी नहीं लगेगी। किसी हमारे किसी फैंस के पेरेंट्स परेशान हों मेरी वजह से, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो एक उसमें उनका एक मैसेज भी है जो पता चलता है कि ये भाई कह रहे हैं।